महामारी ने तांडव मचा रखा है। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 2,00,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन 1,000 से अधिक मौतें हुई हैं। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14,00,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना के प्रतिदिन के आंकड़े खौफनाक हैं। वर्ल्डोमीटर के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 1.99 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,73,152 हो गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड 19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में आए कुल नए केस 1,99,569, पिछले 24 घंटे में हुई कुल मौतें 1,037, पिछले 24 घंटे में कुल ठीक हुए मरीज 93,418। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,40,70,890। भारत में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,73,152। भारत में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 12,42,61,046। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रतिदिन 1,50,000 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब 2,00,000 के करीब पहुंचे आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक नए केस महाराष्ट्र 58,952, उत्तर प्रदेश 20,510, दिल्ली 17,282 केस, छत्तीसगढ़ 14,250, मध्य प्रदेश 9,720, गुजरात 7,410, बिहार 4,786। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड 19 के दैनिक नए मामलों में से 82% से अधिक मामले 10 राज्यों से हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान शामिल है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।